Hello my dear students, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you tense. Students, जैसे कि आपको पता ही है कि tense जो हमारे grammar होती है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा अहम हैत करता है इसमें. अगर आप tense आते हो आप आराम से narration को कर सकते हो, active passive कर सकते हो और कोई भी आप जो grammatical mistake जो होती हैं आपके एग्जाम में रिलेटिव जो एरर संबंधी जो होती हैं आप उनको बड़ी आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो अगर आप पे टेंस आते हैं. स्टूडेंट्स तो बात करने वाले हैं स्टूडेंट हम टेंस के बारे में. तो प्लीज़ मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास. बात कर रहे हैं हम टेंस. टेंस क्या होता है स्टूडेंट? टेंस मीन्स होता है आपका काल. जब हम बात करते हैं स्टूडेंट टाइम एंड टेंस, इसमें बोला है मैंने कंसेप्ट ऑफ टेंस. टेंस क्या होता है स्टूडेंट और आपका टाइम क्या होता है बात कर रहे हैं इसमें. ये दोनों ही आपके अलग अलग कंसेप्ट हैं. टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट होता है स्टूडेंट. टाइम होता है, जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं वहाँ एक नेचुरल कंसेप्ट होता है, जबकि आपका जो टेंस होता है स्टूडेंट वो आपका एक ग्रामेटिकल यानी कि आपके व्याकरण संबंधी जो नेम वगैरह होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं आपके टेंस का. अब बात करते हैं स्टूडेंट का आपके टेंस कितने टाइप के होते हैं. तो आपके टेंस होते हैं तीन टाइप के. इसमें फर्स्ट आता है आपका प्रेजेंट टेंस, इट मीन्स होता है आपका वर्तमान काल जिसमें हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट की स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आपका पास्ट टेंस, उसको बोलते हैं हम भूतकाल. और फ्यूचर मीन्स होता है स्टूडेंट आपका भविष्यकाल. तो जैसे मैंने आपको बताया इसके तीन टाइप्स होते हैं. तो स्टूडेंट मैं इनकी वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, इनकी मैं 12 वीडियो बनाऊंगा इनके अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग. जैसे आपका यहाँ दिया गया आपका फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसमें हमने बात की स्टूडेंट की किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, या हम बात कर रहे हैं हो रहा है या हो चुका है या हो गया है, तथा एक लंबे समय से कोई काम चल रहा होता तो वो आपके प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है स्टूडेंट. इसमें मैंने आपके जितने भी चार पार्ट हैं उनके सभी के डेफिनेशन में बनाई है मैंने. तो इनके स्टूडेंट इनके चार पार्ट होते हैं प्रेजेंट के. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं यानी कि सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं स्टूडेंट इसको हम. सेकंड इसका प्रेजेंट इम्पैक्ट इम्परफेक्ट यानी कि कंटिन्यू, या हम कहें प्रोग्रेस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल, या हम कहें तात्कालीन आपका वर्तमान काल. थर्ड स्टूडेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान काल. और चौथा होता है स्टूडेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पूर्णकालीन वर्तमान काल. तो स्टूडेंट जिस तरीके से आपके प्रेजेंट की ये चार पार्ट हैं ऐसे ही आपके पास्ट के होते हैं, ऐसे आपके फ्यूचर के होते हैं स्टूडेंट्स. बढ़ते हैं हम जनरली जो स्टूडेंट हम जो टेंस पढ़ते हैं वो केवल हम एक तरीके से अपनी स्पोकन क्लास के लिए करते हैं या अपनी जो हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए करते हैं. तो मैंने इसमें दोनों का मिक्स किया है. इसमें हम स्पोकन के लिए भी आप टेंस सीख सकते हो, जिससे आप अपनी जो भी आपकी ग्रामर में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. तो इसमें स्टूडेंट अधिकतर मैंने आपकी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने रूल्स को कलेक्ट किया है इसमें, जो आपके मेन रूल्स होते हैं. तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें. जनरली जो हम बात करते हैं स्टूडेंट आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है हमारी कि सिंपल प्रेजेंट के जो वाक्य होते हैं उनमें हमें काम का करना या होना पाया जाता है स्टूडेंट, और उनके लास्ट में आपका ता है, ती है, ते है और ताओ. ये आपकी एक जनरली डेफिनेशन होती है आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की. अगर हम बात करें स्टूडेंट एक एग्जांपल लेकर के कि मैं कहूँ कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो मैं बनाऊँगा इसको आई लर्न माई लेसन. ठीक है, ये होता है. तो जनरली ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर एज कंपटीशन के लिए, तो हमने यहाँ पर रूल को कंसेप्ट किया यहाँ पर. तो इनको ध्यान से हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ स्टूडेंट हम हैबिचुअल रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, यानी कि हम हैबिचुअल की बात करें जो आदत में होती है, रेगुलर होती है स्टूडेंट आपकी जो रोज़ाना होती है, और रिपीटेड होती है कोई भी जो एक्टिविटीज़ को हम रोजाना करते हैं उसको जो एक्सप्रेस करना होता है उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. तो बात करेंगे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट्स कि ही टेक्स टी विदाउट शुगर.
यहाँ स्टूडेंट मैंने टेक्स यूज़ किया है और यहाँ मैंने ही को एज सब्जेक्ट यूज़ किया है, तो यहाँ आपके दिमाग में एक तरीके से एक क्वेरी आई होगी कि सर ने यहाँ पर टेक्स क्यों लगाया है, स्टूडेंट इसके साथ मैंने इसको यूज़ किया है। स्टूडेंट जो भी आपकी जो फॉर्म होती है वर्ब की वो आपकी सब प्लूरल फॉर्म में होती हैं, जो फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी उसकी वो प्लूरल फॉर्म में होती है। अगर उनको हमें सेकेंड या थर्ड फॉर्म में बदलना होता है, उनको सिंगुलर में कन्वर्ट करना होता है स्टूडेंट, उनके लास्ट में हम एस या ई एस को जोड़ते हैं। ये कब जोड़ेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ क्या बता रहा है स्टूडेंट, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, तो ये क्या है, ये एक उसकी आदत के बारे में बता रहा है। किसके बारे में पता चल रहा है स्टूडेंट, यहाँ से हमको पता चल रहा है किसी की हैबिचुअल यानी हैबिट के बारे में पता चल रहा है कि वो जो इंसान है वो कैसी चाय लेता है विदाउट शुगर। तो यहाँ एक हैबिचुअल के बारे में बात की गई स्टूडेंट्स। वी स्टडी फॉर आवर ए डे, यानी यहाँ बताया गया स्टूडेंट आपकी एक रेगुलरिटी बताइए कि हम जो रोजाना है वी स्टडी, तो इसकी वी क्या है स्टूडेंट आपका प्लूरल फॉर्म में होता है और इसके अकॉर्डिंग हमने प्लूरल वर्ब को यूज़ किया है यहाँ पर। तो उसने क्या बताया स्टूडेंट, यहाँ उसने अपनी रेगुलरिटी दिखाई यानी उसने अपनी बताया है कि वो रोजाना क्या है स्टूडेंट्स, यानी कि हम रोजाना 4 घंटे पढ़ते हैं। तो यहाँ रेगुलरिटी बता रहा है यहाँ पर। राम एंड सुरेश आर बॉयज, तो यहाँ स्टूडेंट ये भी आपकी एक एक्टिविटीज़ है जिसमें उसने बताया, रिपीटेड बताया, उसके रिलेटिव बताया, उनके संबंध बताया यहाँ पे। आई लिव इन मथुरा, तो आई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ वर्ब का यूज़ किया स्टूडेंट लिव का, और इन मथुरा में यानी मथुरा में रहता था। यहाँ बताया ही गोज़ टू वॉक 8:04 AM, तो यहाँ स्टूडेंट उसकी आपने एक रिपीटेड या हम कहें एक आदत के बारे में बताया कि ही गोज़ टू वॉक, वो रोजाना 4 बजे घूमने के लिए जाता है स्टूडेंट्स। इसमें बताया है कि नोट में स्टूडेंट आपकी टाइम एक्सप्रेंस एडवर्ब होते हैं यानी समय सूचक क्रिया विशेषण होते हैं, जिनमें बताया जाता है स्टूडेंट आपका कि ऑलवेज, ऑफन, डेली, समटाइम्स, जर्नली, यूजली, ऑकेशनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्ली, हैबिचुअली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी वीक, वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, ट्वाइस ए डे एंड ट्वाइस ए मंथ। ये स्टूडेंट आपकी सभी हैबिचुअल यानी कि आदत संबंधी रेगुलर यानी रोजाना और रिपीटेड जो हम एक्टिविटीज को रोजाना रेगुलर करते हैं उनको एक्सप्रेस करने वाले ही आपके एडजेक्टिव होते हैं। इन या हम कहें कि इन एडवर्ब के यूज होने पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। स्टूडेंट यहाँ भी आपके ये टाइम एक्सप्रेस जो आपके एडजेक्टिव हैं सॉरी आपके एडवर्ब हैं अगर ये आते हैं स्टूडेंट तो इनके साथ हमको यूज करना होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ मैंने एग्जांपल दिया स्टूडेंट इनको समझेंगे हम बड़े आसानी से कि ही ऑलवेज कम हेयर एट नाइट, तो यहाँ आपका एक एटलाइट यूज किया गया और आपका स्टूडेंट यहाँ पे ऑलवेज यहाँ बता रहा है कि वह हमेशा लेट आता है। तो यहाँ स्टूडेंट आपका एटलास्ट यूज किया गया और यहाँ पर आपका ऑलवेज और हमने यहाँ पर कम्स यूज किया जो कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता रहा है हमको। ऐसे ही यूजली, यहाँ यूजली यूज किया स्टूडेंट, यहाँ रेयरली, ऑलवेज माने हमेशा होता है, यूजली माने कभी कभार, रेयरली माने और नेवर मीन्स कभी नहीं। तो यहाँ स्टूडेंट जो भी मैंने आपको टाइम एक्सप्रेस आपके एडवर्ब बताए उनका हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्टूडेंट यूज करना होता है। थर्ड आपका सेकेंड रूल है स्टूडेंट कि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसका यूज हम यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक जो सत्य होता है, या हम बात करें प्रिंसिपल्स के बारे में, या हम बात करते हैं परमानेंट एक्टिविटी यानी कोई भी स्थायी कार्य के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको जो अगर हमें व्यक्त करना हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये एक तरीके से आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपका जो सूर्य कहाँ से निकलेगा, हमेशा पूर्व से निकलेगा। तो आप ऐसा तो नहीं कि उसे नॉर्थ साइड से निकाल लें, साउथ साइड से निकाल लें, आप ऐसे नहीं निकलेगा ना। तो ये क्या स्टूडेंट आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो सूर्य है आपका वो पूर्व से यूज उगता है। तो यहाँ पर हमने राइस यूज किया है जो कि ईएस ये बताता है स्टूडेंट कि जो आपकी वर्ब फॉर्म होती है उसमें हम ऐसे ईएस जोड़कर उसको और सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया टू एंड टू मेक्स फोर, तो ये एक सिद्धांत है आपके, एक प्रिंसिपल है कि अगर हम टू एंड टू मेक्स फोर कर सकते हैं या टू इंटू टू मेक्स फोर कर सकते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका एक तरीके से प्रिंसिपल की बात कर रहा है। यहाँ बात कर रहा है मैन इज मोटर यानी कि जो मनुष्य है
ये आपके बारे में बता रहा है कि मतलब जो मनुष्य होता है स्टूडेंट, वो उसको मरना होता है या वो मरणशील है, तो ये एक सत्य है। ठीक है, तो हम प्रेजेंट टेंस ऑफ नेट का इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड रूल है स्टूडेंट, इसका यूज हम पसेसिव यानी अधिकार अगर हमें कहीं व्यक्त करना हो तो वहाँ पर भी स्टूडेंट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस बुक बिलोंग टू मी, तो यहाँ जो बिलोंग्स यूज़ किया गया स्टूडेंट, इसमें हमने एस का यूज़ किया है, जो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस यूज़ करते हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया है स्टूडेंट। जैसे आई हैव ए मोबाइल, तो यहाँ एक अधिकार बताया गया है स्टूडेंट कि ये जो मोबाइल है ये मेरा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4 में बताया गया स्टूडेंट आपका कि इसका यूज हम मेंटल एक्टिविटीज, जो मेंटल एक्टिविटीज या हम बात करें इमोशंस या हम कहें फीलिंग्स, अगर हमें कहीं व्यक्त करनी होती है स्टूडेंट, तो वहां पर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ बताया गया कि वी बिलीव इन गॉड, तो हम भगवान में विश्वास करते हैं, तो ये क्या है, हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज है यानी ये हमारे जो दिमाग है उसका एक तरीके से उसमें ये फिक्स है कि हम विश्वास करते हैं, यानी हमारा बिलीव है कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं, ये आपका मेंटल एक्टिविटीज है स्टूडेंट। यहाँ पे कि आई नो यू कांट डू दिस, तो ये क्या है, ये उसके अंदर एक फीलिंग आ रही है, बोला है भाई तू ये नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की नहीं है, छोड़। तो यहाँ स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या है, अपनी फीलिंग्स व्यक्त की है कि ओ भाई तू ये काम नहीं कर सकता। आई थिंक सी इज ऑलवेज रॉन्ग, तो ये स्टूडेंट एक तरीके से फीलिंग ही आ रही है कि भाई वो हमेशा क्या है, वो हमेशा गलत होती है, तो ये बताया गया है उसके बारे में। तो स्टूडेंट इसके लिए आप मेंटल एक्टिविटीज, इमोशन एवं फीलिंग के लिए आप हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। इसमें बताया गया स्टूडेंट आपका नोट, नोट को ध्यान से पढ़ें कि नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी हियर, स्मॉल, अपीयर, लुक, सी, वॉन्ट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, हो, रिफ्यूजी, प्रिफियर, थिंक, सपोज, विश, बिलीव, एग्री, ट्रस्ट, कंसिडर, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन एंड माइंड, ये सभी जो वर्ब होती हैं स्टूडेंट, इनका यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है, ना कि आपका इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन वर्ब का आपको ध्यान रखना होगा स्टूडेंट, इन वर्ब का हम यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, इनका यूज केवल आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लो अगर किसी वर्ब का अगर कहीं यूज करता है तो उनका एक विशेष दर्जा होता है, उनको एक तरीके से अलग यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट रूल नंबर 5, इसमें बताया गया स्टूडेंट आपको कि जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें आने वाले यानी कोई भी हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड प्रोग्राम, अगर कहीं फिक्स प्रोग्राम है यानी पहले से ऑलरेडी हमने कोई प्रोग्राम या प्लान बना रखा है, अगर उसको हमें व्यक्त करना हो तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन उससे क्या है स्टूडेंट, हमें ऐसा लगता है कि भाई हम कोई काम फ्यूचर में करने वाले हैं, प्लान क्या बताता है हमें, फ्यूचर के बारे में बताता है। जैसे कि यहाँ बताया गया ही गोज टू मथुरा नेक्स्ट मंथ, तो वो क्या है स्टूडेंट, ये हमने बताया कि वो अगले महीने जाएगा, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, उसने एक प्लान बनाया कि वो अगले महीने मथुरा जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसका इस तरीके से यूज आप कर सकते हो। ही गोज, तो ही के साथ ये आपका और इसमें आता है आपका गोज वर्ब है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब यूज किया ही के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स आपका सी लिव्स यानी आपका जो ही स्टूडेंट, ये आपका थर्ड पर्सन है और आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसे ही आपकी थर्ड पर्सन में आता है आपका सी और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब यूज़ किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम ये कहता है स्टूडेंट कि आपकी जो थर्ड पर्सन होता है यानी नाउन, उसमें आपका ही सीट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। जहाँ भी अगर आपका आई और यू आता है स्टूडेंट, उसके साथ हम वर्ब फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसी में बताया गया स्टूडेंट कि आपका टोमारो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, जनवरी, फरवरी, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ये भी आपके क्या है स्टूडेंट, ये हमने एक फिक्स प्लान बनाते हैं। जैसे कि आई विल गो टू, भाई बता रहा ना आई गोज टू मथुरा नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ उसने केवल स्टूडेंट एक प्लान बनाया है। ठीक है, तो लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है कि वो क्या है, वो जाएगा, लेकिन उसने यहाँ प्लान बनाया, तो यहाँ ऐसा अगर आपके मतलब कोई भी टेंस है तो वहाँ आप उसमें इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका रूल नंबर 6, इसमें बताया कि आपके हेयर और अगर देयर है, यानी कि आपके हेयर और देयर यानी यहाँ
ईयर मीन्स यहाँ होता है, देयर मीन्स वहाँ से अगर स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयबोधक जो सेंटेंस होते हैं उनको हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं स्टूडेंट। जैसे कि हेयर सी कम्स, कि वह यहाँ आती है, ही हेयर कम्स सी ट्रेन, ठीक है, ही गोज द बस, तो वह बस से जा, देयर गोज द बस, तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग हमने जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टूडेंट वर्ब यूज किया। जैसे देयर सी लिव्स, वो वहाँ पर रहती है, ठीक है, देयर गोज द बस, वह बस से जाता है, हेयर कम्स द, तो यहाँ आप इसका ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी हम सेंटेंस का स्टार्ट यानी हेयर और देयर से करते हैं उसको हम स्टूडेंट प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बात करते हैं स्टूडेंट आपके रूल नंबर 7 में कि अगर हम आंखों देखा अगर कोई भी हाल बता रहे होते हैं, जैसे आपका मैच है, कोई भी कार्यक्रम है, नाटक है, आपका फिल्म है, आपकी सीरियल है, ठीक है, अगर हम इस तरीके से अगर हम आंखों देखा अगर हाल बता रहे होते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट या हम कहें कि मैच की आपने कमेंट्री देखी हो, जब आप मैच देखें तो वहाँ वो किस टेंस में बात करता है स्टूडेंट, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करता है। जैसे यहाँ बताया सचिन रन्स आफ्टर द बॉल, सचिन क्या है, बॉल के पीछे भागता है, एंड कैच उसने उसको पकड़ा, एंड थ्रो इट उसने उसको फेंका ऑन द स्टंप, यानी उस स्टंप के ऊपर उसने फेंक दिया। तो यहाँ स्टूडेंट क्या है आपको देखो कैचेस इस तरीके से, यानी सचिन क्या है आपका सिंगुलर पर्सन है आपका भाई, और थर्ड उसमें आप थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ देखो रन्स एस यूज किया है, ठीक है, कैच यूज़ किया है या थ्रोज यूज़ किया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर हम कोई भी लाइव कमेंट्री के बारे में या किसी भी प्रोग्राम या हम कहें सीरियल के बारे में हम या ड्रामा के बारे में बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 8, इसमें बताया कि जब हम मेन वर्ब फ्यूचर में होती है तो हम कंडीशनल सेंटेंस यानी आपका इफ टिल एज सून एज व्हेन अनलेस बिफोर अनटिल इवन इफ इन केस ऐसे अगर आपका स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट उसको हम आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको उस टेंस को हम बनाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ बताया इफ़ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज भागोगे तो यू विल विन द रेस। तो यहाँ स्टूडेंट क्या है इसने सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपका ये, और ये आपकी जिसमें हम आपकी जो इस तरीके से प्रपोजिशन होते हैं आपकी, जैसे इफ़ है, एज सून एज है, अनटिल है, बिफोर है, यूजलेस से, तो इस तरह की जो कंडीशनल जो बात होते हैं आपकी कंडीशनल सेंटेंस में, तो स्टूडेंट जो फर्स्ट होता है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया, क्योंकि यू यूज़ किया, यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एस को ऐड नहीं कर सकते, अगर हम एस ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो फंक्शन होता है फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड जो आपका पोर्शन होता है स्टूडेंट वो सिंपल फ्यूचर में बनता है आपका, यानी कि सब्जेक्ट सेल या विल वर्स्ट की फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 9 कि ऑथर की स्टेटमेंट हम बात करें स्टूडेंट, अगर हम कोई भी आपका ऑथर है उसके बारे में बात कर रहे हैं या हम हिस्ट्री के यानी ऑथर के स्टेटमेंट और हिस्ट्री के पास्ट स्टेटमेंट यानी कोई भी जो घटना बीत चुकी है उसके बारे में अगर हम बात करें उसको हमें आपको जैसे बताना हो नया एकदम फ्रेश करके बताना हो कि भाई इस तरीके से हुआ है अभी, लेकिन आप किसमें बनाओगे उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाओगे स्टूडेंट। जैसे किड्स से ए थिंग इज ब्यूटी इज ए जॉय फॉर, तो ये आपके किड्स नाम की आपके कोई ऑथर हैं यानी एक कवि हैं या पोइट गए हैं या राइटर गए हैं, तो उन्होंने बोला है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी जो आपकी जो सुंदरता होती है जॉय फॉर एवर, जो उसकी जो खुशी होती है वो हमेशा हमेशा के लिए होती है। ऐसे यहाँ बताया गया एट लास्ट राम किल्स रावण, ये बात तो स्टूडेंट बहुत पहले हो चुकी है कि मतलब राम ने क्या रावण को बहुत पहले मारा था, लेकिन हम क्या बताने एट द लास्ट, तो यहाँ राम आपका थर्ड पर्सन है सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब में एस का यूज़ किया है। तो ये स्टूडेंट आपको इस तरीके से अगर आपको बताना कोई भी स्टेटमेंट देना आपको ऑथर का हम कहें हिस्ट्री या पास्ट इवेंट है तो उसको अगर हमें एक तरीके से हम बात करें कि हमें उसको नया यानी ऐसा बोलें कि भाई ये अभी घटना हुई है तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में आपका बताया गया स्टूडेंट कि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जब हम सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होता है या हम बात करें थर्ड पर्सन होता है तो उसके साथ स्टूडेंट हम उसकी वर्ब में एस या यस जोड़ करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन जब बात आती है स्टूडेंट कि हमें एस को कहाँ ऐड करना है और ईएस को हमें कहाँ ऐड करना होता है, यदि हम वर्ब का अंतिम अक्षर आपका डबल एस ओ जेड
एक्स सी एच या एस एच हो तो हम सिंगुलर नंबर यानी थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ स्टूडेंट हम ई एस को ऐड करते हैं तथा अन्य स्थिति में केवल हम एस को जोड़ते हैं। यानी अगर कहा ही सी इट में से अगर कोई भी सब्जेक्ट यूज हुआ है तो स्टूडेंट उसके साथ जो आपकी वर्ब यूज की उसका लास्ट अगर आपका डबल एस है ओ है या जेड है एक्स है या सी एच है एस एच है तो वहाँ पर आपको ई एस को ऐड करना है और नहीं है तो वहाँ पर आपको एस को ऐड करना है ओनली। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, एक एग्जाम्पल होता है आई गो मैं जाता हूँ, वी गो हम जाते हैं, ही गो वो जाते। तो स्टूडेंट यहाँ आपका आई यूज़ किया है तो ये आई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। वी इसका प्लूर फॉर्म होता है, ही क्या आता है, थर्ड पर्सन में आता है आपका ही सीट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्या बोला है, आपको बताया कि अगर आपका वर्ब की फॉर्म में आपका ओ है या जेड है तो यहाँ जी ओ, तो जी के बाद क्या आ रहा है आपका ओ आ रहा है, तो मैंने बोला है ओ हो और आपका जो सब्जेक्ट यूज किया वो थर्ड पर्सन का हो यानी ही सीट में से हो तो वहाँ वर्ब में आपका ई एस ऐड करते हैं। जैसे आई किस, वी किस, सी किस, तो सी आपका थर्ड पर्सन में से आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर किसेस यूज किया है, इसमें ई एस का ऐड किया है। यह आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका इसका प्लूरल फॉर्म में होता है आई का बी में। लेकिन हम बात करें अन्य जो फॉर्म होती है जैसे वी प्ले तो ही प्लेज हो गया स्टूडेंट, इस तरीके से इसमें बोला है कि जब हम वर्ब के लास्ट में अगर आपका वाई दिया गया और इससे पहले आपका कोई भी कंसोनेंट हो, ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं आपके वाई और वाई से पहले आपकी जो आपकी 21 जो कंसोनेंट होते हैं स्टूडेंट यानी ए आई यू को निकालने के बाद, जो पांच वाउल को निकालने के बाद जो आपकी 21 जो कंसोनेंट रह जाते हैं अगर वो आपका वाई से पहले हो और सब्जेक्ट आपका कैसे हो स्टूडेंट वही यानी कि ही सीट की बात कर रहा है तो उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बाई को हम आई एस में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे दे फ्लाई किड्स, ही फ्लाई किड्स, तो यहाँ हमने क्या है प्लूरल फॉर्म यूज किया है दे फ्लाई किड्स, तो ये आपकी फ्लाई आपकी क्या है स्टूडेंट, इसके लास्ट में आपका आ रहा है वाई। यहाँ हमने फ्लाई का आई एस क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ जो आपका दे यूज किया गया ये आपका अब प्लूरल फॉर्म यूज़ की गई स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है यानी एक से अधिक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा दे यानी वे फ्लाई किड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका जो ही यूज़ किया गया स्टूडेंट, ही यूज़ किया गया आपका यहाँ पर थर्ड पर्सन है और आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ बाई को आई एस में कन्वर्ट कर दिया गया। आई ट्राई, सीता ट्राई, तो सीता क्या आपका नाउन होती है और नाउन किस में आती है स्टूडेंट, आपकी थर्ड पर्सन में आती है यानी किसी व्यक्ति का नाम होता है पर्सन या प्लेस का तो वो आपका थर्ड पर्सन में आता है और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आई एस ऐड कर दिया है। गर्ल्स क्राई, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्राइज यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव में आपका जैसे अभी हमने इसका अफर्मेटिव यूज किया है, ठीक है, अफर्मेट में हमने क्या यूज किया तो ऐसे इसका नेगेटिव में फॉर्मूला होता है आपका, पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं उसके बाद हम डू या डज या उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसको इंटरोगेटिव बनाना हो तो इसमें हम डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। यहाँ अफर्मेटिव के लिए मैंने ए को यूज़ किया, नेगेटिव के लिए एन यूज़ किया स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव के लिए मैंने यहाँ पर आई का यूज़ किया है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बड़ी आसानी समझेंगे, जैसे यहाँ बताया गया स्टूडेंट आई प्ले चेस, मैं क्या है, मैं चेस खेलता हूँ स्टूडेंट, तो ये जो आपका जो डज यूज करते हैं स्टूडेंट, डज यूज करते हैं हम आपके ही सी और इट के लिए, ठीक है, ही सी इट के लिए स्टूडेंट हम यूज करते हैं आपका डज, डू यूज करते हैं स्टूडेंट आपका आई वी यू दे, जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम स्टूडेंट डू का यूज करते हैं और आपके जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम डज का यूज करते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ आई है तो आई क्या है, आई आपका स्टूडेंट प्लूरल में काउंट किया गया है यानी आई और यू के साथ हम डू का यूज करेंगे, तो आई प्ले चेस में मैं चेस खेलता हूँ, तो अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं स्टूडेंट तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ इसका फंक्शन बता दिया स्ट्रक्चर कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट लेते हैं उसके बाद डू या डज जैसा आपका सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग, तो आई आई के साथ स्टूडेंट हम डू का यूज़ करते हैं उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं उसके बाद जैसा का आपका सेंट हो जैसे का तैसा उसको उतार देते हैं स्टूडेंट्स। अब बात की गई स्टूडेंट्स का हमने इसका बनाया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो हम क्वेश्चन फैमिली से बनाते हैं जिसमें आपकी क्वेश्चन यानी कि जो हम क्वेश्चन टैग होते हैं आपके जैसे विच वेयर हु व्हाट, तो इनसे आप क्वेश्चन टैग कर सकते हो, जैसे यहाँ
डू आई प्ले चेस, तो यहाँ डू यूज़ किया है, क्या मैं क्रिकेट खेलता या मैं सॉरी मैं चेस खेलता हूँ। ठीक है, एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ हम इस तरीके से बना सकते हैं हु डू प्ले, हु डू आई प्ले चेस। तो ये स्टूडेंट आप, और उसके बाद क्वेश्चन टाइप, तो ये आप क्वेश्चन फैमिली होती है आपके, वहाँ से भी इसका आप इंट्रोगेटिव बना सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है आपका ही गोज टू ऑफिस, तो यहाँ ही यूज़ किया गया है, ये आपका थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब फॉर्म में स्टूडेंट आपका ई एस ऐड कर दिया है। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डज आगे ले लिया स्टूडेंट हमने, और जो आपकी जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ बताया गया है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ई आर एस नहीं बनाते, तो यहाँ बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव और आपका नेगेटिव, तो हम फॉर्म की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, इसके साथ हम एस ए एस का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हमने डस का यूज़ कर लिया, इसलिए हमने यहाँ पर ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। सर डज ही गो टू ऑफिस, क्या वो ऑफिस जाती है, सॉरी वो ऑफिस जाता है, तो यहाँ हमने डज यूज़ किया गया स्टूडेंट किसके अकॉर्डिंग, ई के अकॉर्डिंग। इट रेन, तो इट आपका स्टूडेंट किसमें आता है, आपका थर्ड पर्सन में आता है आपका ही सीट में, और सिंगुलर सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग इट का डज यूज़ किया स्टूडेंट। डज को हमने यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन फैमिली से बनाएंगे तो वेयर डज इट रेन, तो वर्षा कहाँ हुई, कहाँ होती है, तो यहाँ इस तरीके का क्वेश्चन फैमिली से आप इसको बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव और जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे होते हैं तो स्टूडेंट हम फर्स्ट फॉर्म यानी बी वन के साथ हम एस और ई एस का स्टूडेंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। डस का यूज जो स्टूडेंट हम सिंगुलर नाउन यानी थर्ड पर्सन के लिए करते हैं उसके सब्जेक्ट के साथ करते हैं स्टूडेंट, यानी कि ही सी इट और आपके नाउन के साथ करते हैं। लास्ट स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव और सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों के क्वेश्चन के साथ साथ स्टूडेंट जिनमें हम नेगेटिविटी का भी बोध होता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट आपका डू डज, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब हम किसी भी सेंटेंस में उसका इंट्रोगेटिव या हम नेगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट, उसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। एक तरीका यही होता है स्टूडेंट, डजेंट और डोंट ये आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट, सब्जेक्ट उसके बाद फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। या से बताया कि जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखते समय जब हम बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट, जब हम जब राइटिंग कर रहे होते हैं, हम लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं इस वाले को, और जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं यानी सेकेंड स्ट्रक्चर का। जैसे यहाँ आपका अफर्मेटिव यूज़ दिया गया है आपका वाक्य ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है यानी ता है ती है, यही आपकी इसकी डेफिनेशन होती है, इसमें पहचान होती है, आइडेंटिफाई होती है स्टूडेंट्स, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। तो मैंने भी आपको बताया था ये आपका क्या स्टूडेंट, ही आता है आपका थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर ये है तो इसके साथ हम इसके इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे स्टूडेंट, इसके साथ लेते हैं हम डस का यूज़ करते हैं, डस के बाद आप सब्जेक्ट को लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद फॉर्म की आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी केवल आपका गो यूज़ करेगा और जैसा कि आपका सेंटेंस है वो उतार देंगे, और उसके बाद स्टूडेंट आपका क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं, और ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डजेंट ही गो टू मार्केट, तो आप स्टूडेंट इस तरीके से बना सकते हो, यानी डज नॉट को एक साथ भी लिख सकते हो और आप डज नॉट को अलग अलग भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट। यहाँ ऐसे बताया गया आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ आई यूज़ किया है, तो आई के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट, आई के अकॉर्डिंग हम डू का यूज़ करते हैं और आई प्ले, तो यहाँ उसके बाद हमें आई नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ स्टूडेंट सॉरी मैंने यहाँ पर नॉट नहीं लगाया है, तो यहाँ मैं नॉट लगा दूँगा ऊपर वाले में। ठीक है, ऐसे इसका डोंट से बना सकते हो, डोंट आई प्ले फुटबॉल क्वेश्चन टैग, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट का बना सकते हो। इसमें बताया कि इस तरीके से सेंटेंस में एस या ई एस नहीं लगाते स्टूडेंट, जब हम
वही है मैंने आपको बताया, जब हम किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो ये वाला फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की उसके साथ हम एस आई एस का यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें नेगेटिव, उसमें नोट में आपका सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, डज नॉट और डज नॉट का यूज हम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, और डोंट या डंट का नॉट का यूज हम अदर नंबर या हम पर्सन के साथ यूज करते हैं। थर्ड में बताया गया स्टूडेंट, डोंट यूज एस और यस विद द वर्ब इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मीन्स ये हो गया कि आपको जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब की उसको यूज़ करना है स्टूडेंट, उसके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव की बात करें या हम बात करें नेगेटिव की, उसके साथ आपको एस आई एस का यूज़ नहीं करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो थी यहीं तक। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।